अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाने लगी हूँ चीज़ आमलेट, और इसके लिए मैंने लिए हैं 2 अंडे, और यहाँ पर टमाटर हैं, प्याज़ हैं। प्याज को जैसे हम आमलेट के लिए काटते हैं वैसे नहीं काटते, इसे स्लाइस करने हैं। इसके चीज़ है 2 स्लाइस, ये काले वाले जैतून है, हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं और ग्रीन ऑलिव्स हैं, और इसके अंदर नमक जाएगा, ये सुरख मिर्च जाएगी, और इसका जो स्पेशल इन्ग्रीडियंट्स है वो है फ्रूट चाट मसाला। चलते हैं ये रेसिपी की तरफ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक पैन रख लिया है, इसके अंदर मैं ऑयल शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाह, ये देखिए जैसे ही ऑयल गर्म हुआ मैं इसके अंदर प्याज शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाह, और प्याज को 3 से 4 मिनट के लिए भूनूंगी। प्याज को हम लोगों ने लाइट ब्राउन करना है। ये देखिए, जैसे प्याज लाइट ब्राउन होगा मैं इसके अंदर टमाटर शामिल कर दूँगी। इसके अंदर प्याज को लाइट ब्राउन ही आपने करना है, तभी इसी का वो टेस्ट अच्छे तरीके से आएगा। जैसे ये होंगे तो इसके अंदर मैं हरी मिर्ची शामिल कर दूंगी, नमक, नमक इसमें ज़रूर शामिल करना है, और सिरप मिर्च थोड़ी सी, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, थोड़ा सा फ्रूट चाट मसाला, और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी मैं। अब ये जो अंडे हैं इसके अंदर मैंने थोड़ी सी सुरख मिर्च शामिल किया, और इनको ज़्यादा फेंटना नहीं है, बस आपने जर्दी को ऐसे ऐसे कर देना है फोक की मदद से, और इसको मैं अंडे शामिल करूँगी इसके। देखिए, अब मैं इसके ऊपर फ्रूट चाट मसाला शामिल करूँगी, सारे के ऊपर मैं स्प्रिंकल कर दूँगी अच्छे से, हरा धनिया और ये ऑलिव्स, अगर आप चाहें तो कोई और सब्ज़ी भी शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं, और ब्लैक वाले ऑलिव्स, चीज़ का स्लाइस। ये देखिए, मैंने चीज़ भी शामिल कर दिया है। मैं इसको 1 मिनट के लिए अब कुक करूँगी। ये देखिए, मैंने इसको 1 मिनट को कुक किया है, अब इसको फोल्ड करना है। बिस्मिल्लाह, ये देखिए, इसको बस ज़्यादा कुक नहीं करते, लेकिन आप लोग ज़्यादा कुक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब मैं इसको मज़ीद 1 मिनट के लिए कुक करती हूँ और फिर डिश में निकालती हूँ। जी देखिए, मैंने इसको डिश में निकाल लिया, माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त तैयार हुआ है। आपने लास्ट मिनट ट्राई करना है, इंशाल्लाह आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, बड़ा ज़बरदस्त बनता है। आपसे लेती हूँ इजाज़त, मिलूँगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।